लेकिन वशिष्ठ जी महाराज नामकरण कर रहे हैं। पहले बड़े बेटे का नामकरण किया है, क्या कहा है बड़े बेटे के लिए, जो आनंद सिंधु सुख राशी सीकर देत्रे लोक्य सुपासी ताकर नाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। हे राजन जो तेरा बड़ा बेटा है ना मैं इसका नाम क्या रखूं, जो आनंद सिंधु सुख राशि इनके नाम लेने से आनंद आता है और सीकर के त्रैलोक्य सुपासी। राजन तेरे बड़ा बेटा जो है ना इनके नाम मात्र लेने से ही भव सागर से संसार सागर से इंसान पार हो जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बड़े बेटे का नामकरण करना है, क्या नाम रखें इसका, आनंद की स्थान है आनंद की राशि है, जो आनंद सिंधु सुख राशि इस सुखों की खान है, जो तेरा बड़ा बेटा है ना तो सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। बाबा तुलसी सीकर शब्द लिखते हैं, सीकर सीकर जानते किसको बोलते हैं सीकर, हाँ बोलो बोलो सीकर किसको कहा जाता है, मानस तब पढ़ते होंगे हर घर में रामायण मानस होगा और समय निकाल के आप लोग पढ़ते जरूर होंगे, पर सीकर का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। मैंने कल कहा था ना कि राम कथा में मैं ऐसे ऐसे चीज आपको दे के जाऊंगा कि आपको आनंद आएगा, न कभी सुना होगा न कभी पढ़ा होगा, मैं वो चीज आपको दे के जाऊंगा। चूंकि कथा वक्ता हूं कृष्ण का लेकिन राम कथा के लिए जब बुला ही दिए हो तो मैं राम कथा भी दिल से गाऊंगा। सीकर किसको कहते हैं बोलो, कौन बताएगा मुझे सीकर, हाथ खड़े करके बताओ किसको पता है सीकर किसको कहते हैं। पढ़ते सब हो लेकिन पढ़ के निकल जाते हो, पढ़ना नहीं रटना नहीं हृदय में उतारना पड़ेगा। सुनो सीकर किसको कहते हैं। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए बाबा तुलसी ने कहा सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। सीकर कहते हैं, मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा सीकर का मतलब क्या होता है। ये मेरे पास जल है, ठीक ठीक। अब मैंने इस जल में हाथ डाल दिया, उंगली डाल दी और उंगली डालने से मेरे उंगली के जो पोर है जो छोर है ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, बूंद टपक रहा है, टपक रहा है ना, है ना, दिख भले नहीं रहा होगा डिस्टेंस बहुत दूर है इसलिए, लेकिन फिर भी जो बूंद है वो टिपक रहा है। अब ध्यान से देखना, जो बूंद है एक बूंद एक बार जो गिर गया बूंद है, ठीक ठीक, एक बार जो गिर गया उसे बूंद कहते हैं, पर इसी बूंद को यदि मैंने छिड़क दिया, क्या किया छिड़क दिया, और छिड़कने से जो बूंद है उन बूंद के और छोटे 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 लघु और लय हो गया। लघु से होता है लय और लय से होता है अनु, क्या होता है अनु। अनु तो बूंद से लघु, लघु से लय और लय से अनु, अनु के बाद और जो सबसे छोटा होता है उस सीकर कहा जाता है मेरे प्यारे, जो दिखने में भी नहीं दिखाई देता, दिखने में भी दिखाई नहीं देता।
उसे सीकर कहते हैं। सीकर सुई के नोक से भी छोटी होती है। सुई का जो अग्रभाग होता है ना, तीक्ष्ण भाग जितना पतला रहता है, उस सुई के नोक को पानी में डुबो दो और डुबा करके जब निकालो तो सुई के नोक से जो बूंद गिरेगा उस बूंद को कहते सीकर। राम का नाम सीकर की तरह है। इसका अर्थ क्या है? बहुत विशालता नहीं चाहिए, राम नाम की इतनी महिमा है। सीकर जैसे थोड़े से भी यदि बूंद मिल जाए राम नाम की, उसमें भवसागर पार हो जाओगे प्यारे, उसमें भवसागर पार हो जाओगे। घड़ा कौन कहे, बर्तन कौन कहे, गगरी कौन कहे, कठौता कौन कहे, चरू कौन कहे, अरे अंजलि कौन कहे। देखो मैं कितने कितने भाव प्रदर्शित कर रहा हूं ना। सागर नहीं, सागर तो बहुत दूर है, सागर छोड़ो नदी में चले आओ। भगवान का नाम सागर नहीं, नदी समझ लो। अरे नदी नहीं, सरोवर समझ लो। सरोवर नहीं, ताल समझ लो। ताल नहीं, तालाब समझ लो। तालाब नहीं, कूप समझ लो। कूप नहीं, भूमि पर डाबर पानी। डाबर शब्द बाबा तुलसी लिखते हैं। आप कहोगे तुलसीदास जी तो अवधी थे, वो छत्तीसगढ़ से आया था। हमारे रामचरितमानस में हर एक भाषाओं का वर्णन है। एकमात्र मेरे रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिनमें हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है, उड़िया है, उर्दू है, फारसी है, संस्कृत तो है ही है, और अंग्रेजी भी है प्यारे, अंग्रेजी भी है। यदि ठीक से आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो, और कई जगह छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया है, कई जगह। बाबा तुलसी एकमात्र ऐसे लेखक थे जिन्होंने सर्व भाषाओं को लिख दिया और सारी भाषाओं का, सारी प्रांतों को मिला करके यदि कोई ग्रंथ का निर्माण हुआ है तो मेरे रामचरितमानस है मेरे प्यारे, वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस में आप हिंदी पाओगे, रामचरितमानस में आप उर्दू पाओगे। हाँ, लोग कहते हैं उर्दू तो इस्लामिक भाषा है, तो हुआ है ना सब। तुम साहिब सब गरीब निवाजो, भगवान को गरीब नवाज कहा गया है। और ये शब्द रामचरितमानस में आया है। भगवान राम का एक नाम क्या बताएं आपको? गरीब नवाज। और जो नवाज शब्द है ना, आप सब जानते होंगे, लोग समझते हैं ये तो इस्लामिक शब्द है, लेकिन नवाज शब्द बाबा तुलसी ने मानस में लिखा है, गरीब नवाज। अच्छा ये बताओ,